हॉलीवुड एक्ट्रेस मर्लिन मुनरो के दीवाने थे हॉकिंग। दो शादियों के बाद भी रहे तन्हा। 1962 में मांसपेशियों से जुड़ी बीमारी होने के कारण बताया गया कि वो ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक ही जीवित रहेंगे। उस वक्त उनकी उम्र 21 साल थी। बावजूद इसके उन्होंने बार बार न सिर्फ मौत को मात दी बल्कि दुनिया के सामने विज्ञान से जुड़े कई खुलासे भी किए। 2010 में हॉकिंग ने कहा था कि बढ़ती आबादी, घटते संसाधन और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा लगातार धरती पर मंडरा रहा है। अगर इंसान को इससे बचना है तो अंतरिक्ष में आशियाना बनाना पड़ेगा। साथ ही बता दें कि हॉकिंग अतीत में जाने का रास्ता और भविष्य में जाने का शॉर्टकट खोजना चाहते थे। उन्होंने कहा था, एक जमाने में बीते कल की यात्रा किए जाने की बात को वैज्ञानिकों की सनक मान जाता था। प्यार को लेकर भी उनका नजरिया साफ था। हॉकिंग मार्लिन मुनरो के दीवाने थे। वह कहते थे कि अगर उनके पास टाइम मशीन होती तो वे हॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मानी जाने वाली मार्लिन मुनरो से मिलने जाते। हॉकिंग का कहना था कि इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। इसके पीछे उनका तर्क होता था कि हर भौतिक वस्तु के कई आयाम होते हैं। बीते कल की यात्रा का मतलब ही है उन आयामों के पार जाना। 1974 में हॉकिंग ने भाषा की छात्रा जेन बिल्डे से शादी की और दोनों के 3 बच्चे हुए। ये शादी ज्यादा नहीं चल सकी और उनका 1999 में तलाक हो गया। फिर हॉकिंग ने दूसरी शादी की और जब उनसे पूर्ण रहस्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके लिए महिलाएं पूर्ण रहस्य बनी हुई हैं। उन्होंने कहा था कि हम सभी यह जानते हैं कि हम कहां से आए हैं। उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने बिग बैंग सिद्धांत, ब्लैक होल, प्रकाश शंकु और ब्रह्मांड के विकास के बारे में नई खोजों का दावा कर दुनिया भर में तहलका मचाया था।